पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव लाला टिकार के लोगों ने बिजली लाइन मैन को बंधक बनाया। मामला है भीतखेड़ा से जाने वाली बिजली लाइन बहुत डेंजर है, जिसके चलते आज सुबह अचानक चर्च लाइन का तार टूट गया। एक युवक अपने खेत की तरफ भूसा लेने जा रहा था, अचानक युवक का पैर तार पर टकरा गया, जिससे युवक को करंट लग गया। कहते हैं मरने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तभी लाइट चली गई, पड़ोसी खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा, वे भागकर उसके पास आए और उसे वहां से उठाया। करंट लगने से युवक बच गया। गांव वालों का आरोप है कि जब तक ये लाइन ठीक नहीं होगी तब तक हम इन लाइन मैनों को नहीं छोड़ेंगे। ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ ने बताया कि हमने कई बार जेई से शिकायत की मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और आला अधिकारियों से भी शिकायत की मगर अभी तक कोई भी अधिकारी हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस रोंडा चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित ने आला अधिकारियों से बात की और आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द लाइन ठीक हो जाएगी। मोहम्मद आरिफ, युवा घायल है, अस्कर लाइन पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये 2 किलोमीटर की लाइन जो 11,000 KV की लाइन है, ये जर्जर लाइन है, बिल्कुल 10-15 साल पुरानी, और ये तार टूट के गिरते रहते हैं। अभी 2 किसान के बैल मर गए, किसान मर गया, एक नगली का किसान मर गया, और जो है यहाँ हमारे गांव में कई एक्सीडेंट हो गए ऐसे, इन तार टूट के गार के गिर जाते हैं। जो सुबह किसान काम करने के लिए आते हैं उन्हें करंट लग जाता है। तार पहले भी शिकायत की, मौखिक शिकायत, लिखित में शिकायत नहीं की। आज हमने लाइन मैनों को जो आए थे यहाँ काम करने दिया, नई लाइन जोड़ने देंगे जब तक हमारे ये तार बदले नहीं जाएंगे। बंधक क्या, वो सारे गाँव वाले थे, सब ने उन्हें घेर लिया, बोले हम नहीं जोड़ रहे, हमने जब लोग तार ये नहीं बदले जाएंगे, जब लोग तो लाइन नहीं चलने देंगे। अब आप तार बदले जाए,